मानू डी डी ई डॉट समर्थ डॉट ई डी यू डॉट इन पे जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम में आपने इनरोल किया है, और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपना नाम मेंशन करना है, और उसके बाद इनरोलमेंट नंबर या एग्जामिनेशन रोल नंबर दोनों में से जो भी है वो सेलेक्ट करने के बाद, अगर इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करते हैं तो नीचे में यहाँ इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा आप फिल कर देंगे इस बॉक्स में, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। तो कैप्चा डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद, और उसके बाद ये आपको ओटीपी आ जाएगा आपके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे। तो रजिस्टर ईमेल या मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो आएगा, ओटीपी आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ इस बॉक्स में फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओटीपी लिखने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड यहाँ पे आपने डालने के बाद कंफर्म कर लीजिएगा और आपका बन गया। अब यहाँ इनरोलमेंट नंबर वही डालना है जो आपका है, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल के और लॉग इन करना होगा। तो इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉग इन बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब ये सारा आपका जो है सो खुल गया। डीडी का सारा प्रोफाइल यहीं से देख सकते हैं आप, डैशबोर्ड यहाँ आपके सामने होगा, है ना। जिस कोर्स में आप इनरोल किए हैं उस कोर्स की सारी जानकारी यहाँ पे है, ये भी देख सकते हैं आप, जैसे आपका नाम होगा, ठीक है, जिस कोर्स में आप इनरोल हैं वो है, इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, और उसके बाद किस मोड में आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आपको यहीं से दिखेगा। हम लोग यहाँ पे जो है आई कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो आई कार्ड किस तरह से डाउनलोड करेंगे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। फ़ी भी देख सकते हैं, कोर्स सिलेक्शन भी यहीं से करेंगे, हालांकि इस कोर्स में कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अदर कोर्सेज में कोर्स सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद सर्विसेज है बहुत सारी, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोग्राम का मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारा कुछ है। उसके बाद यहीं से आप जो है सो सारा डिटेल यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, आपका लर्निंग सपोर्ट सेंटर कहाँ है, LSC जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद जो है यहाँ फैक्स है, फैक्स भी आप देख सकते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कोर्स सिलेक्शन हिस्ट्री, कोर्स फी हिस्ट्री, ऑन ऑल ट्रांजेक्शन, ये सारा कुछ यहाँ पर से आप देख सकते हैं। हालांकि अभी कुछ यहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया है, मेन जो हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड करना है आई कार्ड, वो भी मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा, और इस तरह से आप यहाँ पे सारा जानकारी ले सकते हैं। इसको जब आप खोलिएगा ना तो हर एक एक चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप परेशान होते हैं कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो आप दूसरे के चक्कर में ना रहे। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रोग्राम आई कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, यहाँ पे प्रोग्राम आई कार्ड पर क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। ये जो पासवर्ड मांगे ये आपका इनरोलमेंट नंबर ही पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड डालने के बाद और आप जो है इसको ओपन कर लीजिएगा, पासवर्ड आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है, जो इनरोलमेंट नंबर कोर्स का है, और उसके बाद ये ओपन हो गया, ठीक है। ये सारी जानकारी मैं छुपा दिया हूँ, आप अपना जो है सो डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार मैं और आराम से आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, सारा यहाँ पे सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आई कार्ड का, डाउनलोड प्रोग्राम आई कार्ड, और उस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस आप कीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड किया जाएगा, जब एग्जामिनेशन होगा तो उस समय में जब एडमिट कार्ड आएगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, हॉल टिकट भी जिसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन करके आपको दिखा रहा हूँ। लॉग इन करना है यहाँ पे जो है सो इस तरह से बार बार आप लॉग इन लॉग आउट करके मैं बता दिया हूँ, ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड प्रोग्राम आईडी कार्ड पर क्लिक करके और आई कार्ड डाउनलोड करके रख लें।